Hopefully that's better. और मेरे भाई कैसे हो? जब भी आना हो मेरे को फोन कर देना, ठीक है? सर मैं पहले जलंधर गया, फिर खंडवा आया, फिर जलंधर में पढ़ी पड़े सर गए ना ऊपर गए ये दोस्तों, ये मेरा असली रियल फैन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आपका गुड विशर हूँ। ये देखिए चारों चार विशर ने हर जगह में टैटू बनाए हैं और आखिर विचार इसकी नम होगी। तो पहले यहाँ पर आया, फिर जलंधर गया, जलंधर से फिर यहाँ आया, फिर मतलब हिमाचल गया, फिर वापस हिमाचल से आया। तो मैंने को बताया है आज कि भाई जब भी मिलना होगा तो मेरे को फोन कर दिया करे, कि अगर मैं जलंधर होगा तो जलंधर आना, ठीक है? अगर मैं करनाल होगा तो करनाल आ जाना। आपके लिए हमेशा खुले दरवाजे है, कोई दिक्कत नहीं है और आप सीधा आना है कि मेरे को परेशान मिलता है, ठीक है? तो आपने कभी भी टेंशन नहीं ले। तो आपके लिए और छोटी सी पहले बहुत पायल भी है, बड़ी लोगों ने मेरे को भेज दी है। मैं आऊंगा, मैं स्पेशली आऊंगा, मतलब स्पेशली आऊंगा मैं। अरे रेज मैंने कुछ नहीं आता, मैं फकीर बंदा हूँ, ठीक है? मेरे को कोई रेजिमेंट नहीं चाहिए, मैं ऐसे आ जाऊंगा और आपके जो ढाबा है वहां पर चाय पीऊंगा, ठीक है? चाय पिला लेंगे ना, बस इतना बस चाय और पानी पिला लेना और यही आपका प्यार इतना ही बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जो भी किया खाली कर दिया, मेरी मन की इच्छा गैर खाली बंद कर रहा था। अरे मैं एक साधारण बंदा हूँ भाई, देखो ये जब भी आपकी तो भावना है भाई। मैं तो क्या खाली सब पूछा हुआ लिखा हुआ, सब आपसे लिखा हुआ, कोई जगह नहीं कर दी मुझे है। जो कुछ भी खाली मेरा कुछ भी जारी है, मैं कैसे भगवान आ गया, मैं दंगा ही रहना था, मैं कुछ नहीं जारी। आपको ध्यान रखा करो, और आप बड़े अच्छे लोग हैं और मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपके जो जिसे बोलते ना मेरे भावना का भूखा हूँ, आप मुला इतना प्यार देते हैं। तो ऐसा है, इसमें क्यों आ रहा हूँ में चोट ज्यादा लगी थी, तो उसको मैं हॉस्पिटल पे
एडमिट कराया और उसको ट्रीटमेंट करवाई उसकी, तो अब ठीक है वो। सो परमात्मा की मेहर होती है, करने करना वाला कोई नहीं, तो परमात्मा को होता है कि उधर को रश ज्यादा था, रास्ते का पता नहीं चला, तो गाड़ी उधर को मोड़ दी, तो आगे एक्सीडेंट था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उसको गाड़ी में बैठाया, मैंने चल भाई है ना। तो उसके साथ था एक बंदा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मैं उसको गाड़ी में बैठा के तो वहां जो फर्ज बनता है, मेरे को ये भी महान काम नहीं किया, मेरी ड्यूटी थी वो। अगर किसी को चोट लगी है एमरजेंसी में तो उसको उसी में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। हाँ वहाँ आए थे हम लोग, ना आज भी वहां से वापस शादी कराने वाले बनो आ जाए,
करने वाले बड़ा भाई हम आ जाएंगे ना। दो चीजें है कि मतलब मौत सबको आनी, चाहे कोई भी है, चाहे आप साधु संत है, चाहे आप कोई गृहस्थी वाला है, और कोई भी काम, चाहे बॉडी बिल्डर है, चाहे पहलवान है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, मौत सबको आनी है। लेकिन ये है कि भाई अच्छे कर्म करते जाइए, लोग ताकि याद करें, लोग ताकि बोले कि बिहार बच्चा अच्छा था, समाज के लिए काम करता था, देश के लिए काम करता था, और अपने मतलब किर्त की कमाई खाता था, और किसी को हर्ट नहीं करता था, किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, है ना। मौत सबको आनी है, कोई बहन चोरी करके मांग के खाता है, ठग करके खाता है, पर लेकिन ये नहीं करो तो बुजुर्ग ये तो बंदा ऐसी करती थी, है ना। तो अच्छा होना चाहिए, अपनी किर्त की कमाई खानी चाहिए, मेहनत की कमाई खानी चाहिए, और चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, मतलब लोगों की सेवा करनी चाहिए, और देश के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए, देश के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए, औरों की बहन अपनी बहन समझना चाहिए, और औरों की माता अपनी माता समझनी चाहिए, औरों के बच्चे अपने बच्चे समझने चाहिए, और बाकी आप उनके जाए ना जाए हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप औरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। अगर औरों की प्रॉब्लम है कोई, तो समझ के मेरी प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए, और कोई अगर भूखा है उसको दो रोटी दिलानी चाहिए जैसी भी है ना। और सभी माता बहनों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो बंदा अच्छी सोच रखता है तो परमात्मा का काम तो अपने आप ही होते रहते हैं, काम तो चलते रहते हैं। वहां जाके किसी ने कोई मतलब वहां पर कोई सर्टिफिकेट नहीं डाला कि भाई तूने कितने पैसे कमाए थे, ठीक है, तूने कितना कुछ धन दौलत इकट्ठा किया था, कितना तेरा रुतबा था, वहां पर किसी ने नहीं पूछना। वहां पर ये पूछना है कि भाई आपने कोई गलत तो नहीं आपने पैसे कमाए, आपने कोई किसी को गड़े दबा के तो नहीं पैसे कमाए, किसी का गरीब का खून तो नहीं चूसा, ठीक है। तो आप ग्रेट खाली ढाबे पर आते हैं, मेरे को मिल जाते हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, लवी बस ऐसे ही करते रहना जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो समाज के लिए सेवा और देश के लिए अच्छी भावना रखनी है, और मेरा आपका सबका ऐसा ही प्यार बना कर रखे, तो बस मेरी यही अरदास है, और ये मेरी एक सोच रखता हूँ, और आप आए हैं बस आए, और दस दिन आऊंगा तो मैं आपको वहां से भी मिलूंगा, तब भी आऊंगा तो ऐसे ही आऊंगा, मैं उस लड़के को ऊपर दिखा रहा हूँ नीचे, है ना, ठीक है। उस लड़के को हाँ मेरे को कर देने पहले, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, और को नहीं देना, अपने पास है, ठीक है ना। कपड़े कहाँ थे, कपड़े कहाँ थे, कपड़े लाए थे, कपड़े नीचे रखे थे, हाँ अगर ला लेते। तो
तेनू पत्थर दिसता है, तेनू पत्थर दिसता है, वो देख मेरी अख ने नाल मेनू शंकर दिसता है, वो देख मेरी अख ने नाल शंकर दिसता है। जय श्री राम भाई, सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, मस्त रहो। और ये ग्रेट खाली के ढाबे पर हूं मैं आज। अगर आप लोग यहां से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो, जम्मू कश्मीर जा रहे हो, तो आप एब्सोल्युटली आप आइए ग्रेट खाली ढाबे पर, रुक के जाइए और अच्छा खाना खाइए। और बिल्कुल आज यहीं पर हूं मैं। अगर बहुत सारे लोगों की है दिक्कत है भाई कहां पर है, क्योंकि होल्डिंग हमारा बहुत कम है, आप गूगल पे डालिए, गूगल पे डालेंगे तो आपको सीधा ले आएगा द ग्रेट खाली ढाबे पर। जय हिंद, जय भारत।